डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक कहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मित्रों, आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 19 पद संख्या 1 से लिया गया है, जकेउस की कहानी। आपने तो बार बार इसे सुना होगा। आज मैं जकेउस की कहानी से कौन सी सीख सीख सकता हूँ, तीन विशेष सीख है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली सीख, जकेउस कौन से शहर का रहने वाला था? यरीको। कहा जाता है यरीको जो शहर है वो संसार का सबसे पुराना शहर होने के साथ साथ समुद्र तल से नीचे बसा हुआ, 260 मीटर के नीचे बसा हुआ संसार का एकमात्र शहर है। संसार का एकमात्र शहर जो समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है, वो भी 260 मीटर पर। मेरे मित्रों, इसका अर्थ क्या है? आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के सुंदर वचन कहते हैं, प्रभु कहते हैं, जो खोया था मानव पुत्र उसे बचाने और खोजने आया है। जो खोया था मानव पुत्र उसे बचाने और खोजने आया है। हम भले ही अपने पाप में, जिंदगी में कितने भी गहराई में धस क्यों न गए हो, खो क्यों न गए हो, यदि ईश्वर की नजर आप पर टिकी है तो ईश्वर आपको खोज जरूर निकालेगा। दूसरी सीख, हमारे जीवन में ईश्वर मौका हमें बार बार नहीं देता। हो सकता है हमारे पास जो मौका आया हो वो हमारा अंतिम मौका हो। किसका मौका? प्रभु को देखने का मौका, प्रभु को परखने का मौका, प्रभु को अनुभव करने का मौका, या प्रभु जैसा पवित्र बनने का मौका। प्रभु जैसा पवित्र बनने का मौका। मेरे मित्रों, शायद जकेउस ने ऐसा ही महसूस किया। उसने कहा होगा कि शायद मुझे ऐसा मौका दोबारा न मिले। उसके पास तो काफी पैसा था, यदि वो सोचता तो वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके स्वयं प्रभु यीशु के गांव में जाके पर्सनली उन्हें मिल पाता। लेकिन नहीं, वो इस मौके को खोना नहीं चाहता था, और इस मौके को पाने के लिए उसके सामने जितनी भी रुकावटें थी उसने सब हटा दिए। वचन कहता है ना, वो नाटा था, छोटा था, और इसीलिए अपने छोटेपन के रुकावट को हटाते हुए वो पेड़ पर चढ़ गया। वचन बिल्कुल सही कहता है, ध्यान से सुनिए। हमारे पास मौका हमेशा नहीं आता, विशेष करके प्रभु को देखने का मौका, परखने का मौका, समझने का मौका, अनुभव करने का मौका। और जब भी आपके पास ऐसा मौका आए, आप कभी भी ऐसे मौके को हाथ से जाने न दें। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 8, प्रभु कहता है परख कर देखो प्रभु कितना भला है, परख कर देखो प्रभु कितना भला है, धन्य है वे जो उनकी शरण में जाते हैं, धन्य है वे जो उनकी शरण में जाते हैं। तीसरी बात, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे मित्रों जो काले होते हैं। लोग उन्हें कितने ताने देते हैं, उन्हें कितना ताना सुनना पड़ता है, लोग उन्हें कालू या काली कहकर पुकारते हैं। कभी आपने सोचा है उन्हें कैसा लगता होगा दिल में? ऐसे भी लोग हैं जो लंगड़ लंगड़ कर चलते हैं, लोग उन्हें कितने ताने देते हैं, उन्हें लंगड़ा या लंगड़ी कहकर पुकारते हैं। कभी सोचा है उनके दिल में क्या बीतती होगी? ऐसे भी लोग हैं, उन्हें शादी के लिए उपयुक्त साथी नहीं मिल पाता। लोग कहते हैं इसका नाक छोटा है, कान बड़ा है, आंखें छोटी छोटी है, उसके बाल पके हुए हैं या बाल झड़ गए हैं, इससे हम शादी नहीं करेंगे। कितने ताने उन्हें सुनने पड़ते हैं। जकेउस भी ऐसा ही व्यक्ति था। वो इन तानों से बचा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बचपन से बेचारे को कितने ताने सुनने पड़े होंगे। इतना ही नहीं, लोग उससे बातें करने के लिए नीचे देखते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी शायद उनसे बातें करने के लिए नीचे देखकर उसकी खिल्ली या मजाक उड़ाते थे। आज प्रभु ने कैसा महान चमत्कार कर दिया, देखे, प्रभु ने उसे नीचे से ऊपर उठाकर बैठा दिया। मेरे मित्रों, यदि आप अपने जीवन में प्रभु के सामने विनम्र बने रहोगे, प्रभु आपको नीचे से ऊपर उठा देगा,
अब देखिए जकियुस के साथ क्या हुआ। सारा संसार पवित्र वचनों के द्वारा उसे ऊपर देखता है, यहाँ तक कि उसका रचयिता प्रभु भी उससे ऊपर देखकर बातें कर रहा है। विनम्रता, हमें विनम्रता की जरूरत है। प्रभु का वचन ध्यान से सुनिए, योब का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 11। प्रभु कहता है, वह दीनों को ऊपर उठाता है और दुखियों को सुख शांति देता है। इतने सुंदर गुण जकियुस में हैं। मेरे मित्रों, यदि आप में भी इन गुणों का समावेश हो जाए तो पता है प्रभु क्या कहते हैं, आज तुम्हारे यहाँ मुक्ति का प्रवेश होगा। सबों को जय श्री।